you, Sakunga. First of all, thank you, Nasir and everyone for being here. जब बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो काम होते वक्त ऐसी वो इमोशंस आ जाती हैं. इन दिस फिल्म आई थिंक द मैक्सिमम हेल्प एंड लव इज फ्रॉम नवाज भाई हिमसेल्फ. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नवाज भाई ऑनेस्टली. मैं बार बार ऐसा कहता हूँ जो मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँगा, दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा. स्टार जो है वो पोस्टर पर आ जाता है, सारा श्रेय ले जाता है, लेकिन एक्टर्स लाइक नवाज भाई एंड ज़ीशान आर द वन हु मेक अस लुक रियली नाइस. सो थैंक यू वेरी मच. और मैं शायद इनसे उम्र में बड़ा हूँ तो मैं पेट्रनाइजिंग साउंड नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑनेस्टली दैट दिस फिल्म जब आप देखेंगे सो द नाइसेस्ट पार्ट्स इन द फिल्म आर द इनैक्टमेंट और जो राहुल ने लिखाई की है और डायरेक्ट किया है. सो आई होप यू इन्जॉय इट. जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ, असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता. तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, ये हमारा फिल्मी रोना है. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ आँख में उंगली उंगली डाल के कुछ फीलिंग करके, बट ऐसी दुआ मत करो कि मैं जिंदगी भर रोता रहूँ. हाँ, और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार, अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो होते हैं ना. या आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आई और आपने हाँ कह दी? एक्चुअली यार मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, शायद मैं पूरा नहीं उतरता उस कोशिश पर कि हर फिल्म जो है पिछली वाली से अलग हो. तो वेन यू स्टार्ट सेइंग कि वैसा ही टाइप का है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डॉन टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डर टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अंजाम टाइप ना हो. क्योंकि ऐसा टाइप हो जाना फिर वही फिल्म करने का फिर मकसद नहीं बनता नई फिल्म करने का. इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक बचपन से लेके बड़ी उम्र तक 50 या 45 तक की कहानी है. और मुझे ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियस डिसीजन है मैं बुरा आदमी करूँगा. कोई अच्छी कहानी लिखेगा बुरे आदमी की तो तब करूँगा. जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं, पता नहीं फुकरे टुकरे बनाते हैं, डॉन थ्री नहीं बनाते. तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक राहुल ने जो ये और इनके जो राइटर्स हैं उन दोनों ने मिलकर ये जो एक एक्सपेंस लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे ये बिलीफ है कि बुरा आदमी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए ऐसा कैरेक्टर कि मैं शाहरुख खान हूँ, रोमांटिक रोल करता हूँ, फैमिलीज पसंद करती हैं तो अच्छाई रखते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वैसा. सो आई थिंक ये कहानी में एक्सपेंस ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर उसकी जो बुराई है वो 100%, बट ऑल्सो एक अच्छा दिल है. रईस का मतलब ही ये होता है, रईस का मतलब अमीर नहीं होता, रईस का मतलब होता है बेनेविलेंट. और हम कोई गलत काम करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी बात होती है. सो आई लाइक दिस होल आइडिया. अभी ट्रेलर के अंदर बहुत तामझाम है, झगड़ा है, फाइटिंग है, वो सब है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फलसफा है कि हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, जगह पर हों, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर एक्शन, खुदा हमें ज़रूर माफ़ कर देगा, भगवान जो है हमें कहेगा ठीक है यार गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. सो आई थिंक दैट फलसफा मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का. एंड ऑफकोर्स इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बुरा आदमी हूँ फिल्म में और हूँ और रहूँगा. जब सीन करने गए तो फिर ऐसा लगने लगा जैसे, हाँ जैसे हम लोग एक्टर्स काम करते हैं, जैसे थिएटर में भी करते थे, तो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होने लगी. शाहरुख सर, यू नो हियर ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट, सो बेसिकली यू नो राहुल सर इज नोन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, बट रईस इज has all the ingredients of a blockbuster. It has got action, romance and everything. How did that blending come in place? Did you suggest it to be a little more commercial and was it his no, idea? No, I think Rahul ne Ritesh aur Farhan se baat ki thi. And Ritesh and Farhan as producers and as creative producers, I think unke dimag mein ye baat aur Rahul ke saath mein aayi thi ki, you know, it's a mix of both the worlds. Ye sirf aisa nahi hai ki राहुल डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं तो ये उसी जोन की है. आई थिंक इन्होंने जब वो सुना दे रियलाइज इट, एंड राहुल हिमसेल्फ हैड मेड इट लाइक दैट कि उसको एकदम ओवर द टॉप इन योर फेस कमर्शियल फिल्म नहीं बनाएंगे. मैंने जैसे बोला बहुत सुलझी हुई बातें हैं इस फिल्म के अंदर, कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी थाट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फलसफा बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ऑल दैट फिल्म में आएगा और आई थिंक वो पिक्चर को बहुत बॉडी देगा, इट विल गिव इट बॉडी एंड सोल एक्चुअली. सो द डिसीजन आई थिंक वेन दे केम टू मी दे हैड ऑलरेडी काइंड ऑफ थॉट कि एक इंटरेस्टिंग मिक्स बनाएंगे कि कमर्शियल फिल्म जो अच्छी बात करती है. सो होपफुली यू नो हमेशा सबका यही रहता है यार एक्चुअली अटेम्प्ट कि लेट्स मेक अ कमर्शियल गुड थिंकिंग फिल्म. बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार सक्सीड होते हैं, बट आई थिंक द आइडिया इज दैट फॉर ऑल गुड फिल्म मेकर्स. सो राहुल हैड ऑलरेडी प्लान्ड इट एंड आई थिंक फरहान एंड रितेश रिकॉग्नाइज दैट वेरी फास्ट. शाहरुख
સારું છે એન્ડ કેમ છો મજામાં આવું છે બટ બહુ અચ્છા લાગ મેં બહુ એન્જોય ક્યા બીકોઝ સી વો જીતના અચ્છા લિખા હૈ ડિરેક્ટ ક્યા હૈ વો તો સારી ટીમ કરતી ઓર વો હર અચ્છા ડિરેક્ટર કરતા હૈ બટ દ જેન્ટલનેસ એન્ડ દ કાઇન્ડનેસ જિસ તરહ સે ઇન્હોને ફિલ્મ બનાઈ હૈ પેશન્સ કે સાથ બહુ બહુ તકલીફ હોતી હૈ કે 2010 મેં કુછ સોચા ફિર એક સાલ મેરા ઇંતજાર કરના પડા નવાઝ ભાઈ કા કરના પડા ફિર ફિલ્મ બન કે થોડા બહુ મેરી ચોટ કી વજહ સે રુક ગઈ એક 9-10 મહિને કે લિયે સો આઈ થિંક સમવેર ડાઉન ધ લાઇન જિસ પેશન્સ સે ઓર યુ નો સ્ટિલ બિલીવિંગ ઉસી એક્સાઇટમેન્ટ કે સાથ જો હમને પહેલે દિન શૂટ ક્યા થા આઈ થિંક વો સબસે અચ્છી ક્વાલિટી હૈ તો ફિલ્મ કે અંદર એક સીમલેસનેસ હૈ એસા નહીં લગતા કે એક સાલ લેટ હો ગઈ હૈ યા બનને મેં એક ફ્રેશનેસ હૈ આઈ થિંક વો રિટેન કરના એક ક્રિએટિવ આદમી કે લિયે બહુ બડી બાત હૈ સો આઈ થેન્ક હિમ ફોર બેરિંગ વિથ ઓલ ઓફ અસ વિથ ઓલ ધ પ્રોબ્લમ્સ હાલાંકિ અબ ચોટ લગે લગી હતી તો એસે ઉસકો મેં રોક નહીં સકતા થા બટ સ્ટિલ ઇટ રિક્વાયર્સ અ લોટ ઓફ પેશન્સ ફોર અ ક્રિએટિવ પર્સન ટુ હેંગ ઓન એન્ડ ધ હોલ ટીમ યુ નો વિચ હેઝ હંગ ઓન ફોર 2 યર્સ ઓર સબ બાર બાર વાપસ આતે હૈ દો દિન કી પરસોં તક આ ગયે થે આજ ભી હમે કલ એક શોટ લે રહે નવાઝ ભાઈ કા સો વી આર ટેકિંગ ઓલ દેટ એન્ડ હિમ ઓલ ઓફ અસ સો આઈ થિંક ધ પેશન્સ હી હેઝ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક ઓર સર રામ સાહેબ બહુત અચ્છી કહાની લિખી શરુક ઓન યોર લેફ્ટ કાર્મિક હિયર સર રામ સાહેબ ઓન યોર લેફ્ટ કાર્મિક હિયર ફ્રોમ mykarmic.com દિસ સાઈડ સર રામ સાહેબ શરુક કેન યુ પ્લીઝ જસ્ટ આન્સર માય ક્વેશ્ચન પ્લીઝ એક્ચ્યુઅલી થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટીરિયો સ્ટીરિયો મે મત બોલો યાર તુમ સર હા વો લેફ્ટ બોલો રોંગ ઓર અન્ડરહેન્ડ ઓર અનએથિકલ મેં હંમેશા સેક્રિફાઈસ કર દુંગા ઇન ટર્મ્સ ઓફ લાઈફ કે હમ કોઈ ભી એસી ચીજ નહીં કર સકતે જસ્ટ બિકોઝ ધંધે કે લિયે સહી હૈ એન્ડ હેવિંગ સેડ દેટ અગેન અગર મુજે લગતા હૈ કે હમારે કામ કે લિયે કોઈ ચીજ સહી હૈ વી વિલ ઓલવેઝ બી કાઇન્ડ એન્ડ નાઇસ અબાઉટ ઇટ બટ વી વિલ સ્ટિક ટુ આર ગન્સ એન્ડ યુ નો ડુ ધ થિંગ બિકોઝ બિલીફ હોતા હૈ યાર તો ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ધંધા ઇટ ઇઝ અબાઉટ બિલીફ તો મેને ધંધા કભી ધંધે કી તરહ ક્યા નહીં એઝ એન એક્ટર આઈ થિંક હમ સબકો એક્ટિંગ કો ધંધા સમજના હી નહીં ચાહીએ વી શુડ જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ એઝ અ ફીલિંગ એન્ડ યુ નો ઇટ્સ અ વેરી ગિવિંગ પ્રોફેશન Of course, we earn a lot of money and there's a lot of competition. Aur bahut aisi cheeze hoti hain jo lagti hain ki cutthroat hongi, dog eat dog hogi. Lekin aisa nahi hota. I think actors should try and retain the quality of innocence of giving.